सिट्रिक एसिड, वी विल स्टडी अबाउट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में मेनली जो ग्रुप होते हैं इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, ऊपर भी CH2COH जुड़ा होता है, नीचे भी CH2COH जुड़ा होता है, बाकी कॉर्नर्स में COH और OH जुड़े होते हैं सिट्रिक एसिड में। यह कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका जो प्रिपरेशन है फ्रॉम मोलासिस, मोलासिस क्या होता है, ये एक शुगर केन से बना होता है जिसमें सुक्रोज होता है ना शुगर केन में, तो उससे बना होता है। ये जो होता है डाइल्यूट किया जाता है वाटर से, और ये फर्मेंटेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फर्मेंटेट करके, सुक्रोज को फर्मेंटेट करके क्या बनाते हैं, मोलासिस बनाते हैं। तो मोलासिस का फॉर्मूला ये होता है, सुक्रोज को ही मोलासिस बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना होता है, C6H12O6 से मिलके बना होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं प्लस वाटर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिट्रिक एसिड बनता है इससे, इससे क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, एसाइलेशन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एसाइलेशन जब होता है इसका, इसका सिट्रिक एसिड का एसाइलेशन होता है, तो HCl बाहर चले जाता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या चले जाएगा, HCl बाहर चले जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl बाहर चले जाएगा, और बाकी CO यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोसिटाइल सिट्रिक एसिड। अब रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन भी इसमें हाइड्रोजन से ऐड होंगे, रिफ्लेक्शन द्वारा रिफ्लक्स करेंगे इस कंपाउंड को, सिट्रिक एसिड कंपाउंड को, 2HI इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, OH बाहर चला जाएगा, ठीक है, OH बाहर जाएगा किसके साथ, इसके साथ, 2HI के साथ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बनता है ट्राई कार्बोलिक एसिड। तो यह है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिट्रिक एसिड के, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन क्या रहता है इसमें, जब सिट्रिक एसिड को हीट किया जाता है तो एकोनोटिक एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या बाहर रिमूव हो जाता है, OH बाहर हो जाता है रिमूव, ठीक है। और OH बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पर से, तो ऊपर बॉन्ड वैलेंसी पूरी होती है कार्बन की, तो ऊपर बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH माइनस का H2O रिलीज हो गया बाहर, ठीक है। अब रिएक्शन विथ H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर क्या करता है ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पे ये CO बाहर रिलीज करता है, ये वाला CO और H2O, H2O का ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। अब ओनली क्या बचा है, बीच का O, तो ये बीच का O यहाँ पे जॉइंट हो जाता है, ओनली बीच का O बचा है ना, ये CO बाहर चला गया, ये वाला CO रिमूव हो गया यहाँ से, ये CO यहाँ बाहर चला गया, और ये हाइड्रोजन ये OH के साथ H2O बाहर चला गया। अब क्या बचा, ओनली ऑक्सीजन बचा है, इसे बोलते हैं एसीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ग्लिसरॉल जो सिट्रिक एसिड होता है उससे क्या कर रहे हैं, ग्लिसरॉल क्या कर रहे हैं, हम ऑप्टेन कर रहे हैं सिट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल, सिट्रिक एसिड बना रहे हैं ग्लिसरॉल से। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अल्कोहलिक चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में। तो यहाँ पे HCl ऐड करने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, और सॉरी ये OH बाहर चला जाएगा, ये वाला फिर से देखना, ये OH और ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा H2O, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा, ये Cl यहाँ पर से OH और ये H बाहर हो गया, ठीक है HCl। अब HNO3 लाए तो HNO3 क्या करेगा, इसको इस वाले मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेगा यहाँ पर से, ठीक है। हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो HNO4 बाहर चला गया, फिर HCl के साथ रिएक्ट करा, HCl के साथ रिएक्ट करने पर क्या हुआ, ये CH2Cl वैसे ही रहा, यहाँ पे Cl बीच बीच में आ गया, और यहाँ पे CN आ गया, CN के साथ भी रिएक्ट कराया है इसको, ठीक है, और OH और ये आ गया। उसके बाद फिर से KCN के साथ कराया तो KCl बाहर चला गया, KCl बाहर चला गया, ये Cl था ना यहाँ पे, ये Cl सॉरी ये Cl था, ठीक है। तो KCl बाहर चला गया, तो यहाँ पर से ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, बन जाएगा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड। तो ये बेसिकली सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड है फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से बनाया था हमने सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।